ये सच्ची घटना 24 जनवरी 2022 की है। सर्दी का मौसम था और 3 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही थी। तापमान काफ़ी नीचे गिर गया था, बर्फीली हवाएं चल रही थी। सुबह सुबह प्रदीप पाल जल्द घर लौट आया था। घर पर मातम पसरा हुआ था। उसकी पत्नी सीमा सिर झुकाए सिसक रही थी। दो तीन पड़ोसी से चुप करवा रहे थे। पिता कमरे में बेजान से बेड पर बैठे हुए थे। पास के दूसरे बेड पर उसकी माँ मृत पड़ी थी। प्रदीप को सीमा ने ही फ़ोन करके जल्दी घर आने को कहा था। उसने फ़ोन पर बताया कि लगता है माँ जी को रात में हार्ट अटैक आ गया है, तुम जल्दी घर आ जाओ, वह उठ नहीं रही हैं। कुछ समय में आस पड़ोस के कुछ और लोग आ गए। उन्होंने भी कहा कि लगता है उनको रात में हार्ट अटैक आया है। अक्सर अधिक सर्दी के मौसम में बूढ़ों को हार्ट अटैक आ ही जाता है। सीमा ने भी रो रो कर मोहल्ले के लोगों को बताया कि माँ जी को हार्ट अटैक आया और मुझे कुछ पता ही नहीं चल पाया और मैं अंतिम बार भी बात नहीं कर पाई उनसे। प्रदीप पाल ने जल्दी से माँ के अंतिम क्रियाकर्म की तैयारी शुरू की और बिना किसी डॉक्टरी परीक्षण के उसी रोज माँ का दाह संस्कार भी कर दिया गया। कोरोना के कारण लगी कुछ पाबंदियों की वजह से प्रदीप माँ की अंतिम शव यात्रा के लिए अधिक लोगों को बुला भी नहीं पाया था, या यूँ कह लें ज़्यादा लोग आ नहीं पाए थे। माँ की मौत को एक महीना भी पूरा नहीं हुआ था कि सीमा के परिवार में एक और बड़ा हादसा हो गया। वह हादसा उसके पति प्रदीप पाल के साथ ही हुआ था। प्रदीप 21 फरवरी 2022 की सुबह बाइक से गौशाला जाने के लिए निकला था। रोहिणी इलाके के सेक्टर 24 के आगे हेलीपैड रोड पर पहुंचा ही था कि उसे कुछ लोगों ने गोली मार दी। उसे काफ़ी नज़दीक से 3 गोलियां दागी गई थी, जिसके चलते घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। मामला काफ़ी सनसनीखेज था। दो बाइक पर सवार 5 लोगों ने पिस्तौल लहराते हुए खुलेआम इस वारदात को अंजाम दिया था। दिल्ली के थाना बेगमपुर क्षेत्र में घटी इस घटना से आसपास के क्षेत्र में दहशत फैल गई थी। खैर, सूचना मिलने पर बेगमपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। रोहिणी के डीसीपी प्रणव टायल को जब इस घटना की जानकारी मिली, तब उन्होंने तुरंत स्पेशल सेल के एसीपी ब्रह्माजीत सिंह के नेतृत्व में एक टीम का गठन कर हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का जिम्मा सौंप दिया। टीम में इंस्पेक्टर ईश्वर सिंह, एसआई सुशील, जगदीश, एएसआई सुरेश, रुपेश, रविंदर और हेड कांस्टेबल सौराज को शामिल किया गया। घटनास्थल के आसपास का निरीक्षण करने और चश्मदीदों के बयान नोट करने के बाद लाश का पंचनामा कर पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। लाश की जेब से मिले आई कार्ड और अन्य दस्तावेजों के आधार पर जब पुलिस प्रदीप के घर पहुंची और घटना की जानकारी दी, तो वहां रोना धोना मच गया। बूढ़ा बाप, जिसने 3 हफ्ते पहले ही अपनी पत्नी को खो दिया था, अब जवान बेटे की हत्या का समाचार सुनकर जमीन पर गिर पड़ा। उधर सीमा भी पति की मौत का समाचार सुनकर पछाड़े खाने लगी। तीनों बच्चे एक दूसरे का हाथ थामे रोने लगे। पुलिस ने किसी तरह पूरे परिवार को ढांढस बंधाया और आवश्यक जानकारी जुटा कर लौट गए। अपने कार्यालय पहुंचकर एसपी सिंह ने सबसे पहले प्रदीप के मोबाइल फोन का डाटा निकालने के आदेश दिए। स्पेशल टीम के इंस्पेक्टर ईश्वर सिंह ने जांच शुरू की तो पाया कि एक फ़ोन नंबर पर प्रदीप के फ़ोन से काफ़ी कॉल किए गए थे। उस पर लंबी बातें भी हुई थी। पता चला कि गौरव तेवतिया के नाम से रजिस्टर व नंबर उत्तर प्रदेश का है। सीमा से गौरव के बारे में पूछने पर मालूम हुआ कि वह उनका किराएदार है, लेकिन हत्या की घटना के दिन से ही गायब है। उसी दिन से उसी का फ़ोन भी स्विच ऑफ था। उस पर पुलिस का शक गहरा गया। उसके फ़ोन की भी कॉल डिटेल निकाली गई। पता चला कि उसके फ़ोन से कुछ नंबरों पर लंबी लंबी बातचीत हुई थी। घटना से पहले की रात जिस नंबर पर देर तक बात हुई, वह नंबर विशन कुमार उर्फ वासु का था। विशन के फ़ोन नंबर को ट्रैक करते हुए पुलिस ने उसे दिल्ली के सुल्तानपुरी स्थित उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। थाने लाकर विशन से पूछताछ की गई। पुलिस की सख्ती के आगे वह ज़्यादा देर नहीं टिक पाया। प्रदीप हत्याकांड के बारे में सब कुछ बताने को राजी हो गया। इसी के साथ उसने ये भी बता दिया कि प्रदीप की माँ की भी हत्या हुई थी, जिसे सभी ने हार्ट अटैक समझा था। उन दोनों हत्याओं में वह शामिल था। हत्या का गुनाह स्वीकार करने के बाद विशन ने जो कहानी सुनाई, वह काफ़ी हैरान करने वाली थी। आइए सुनते हैं इस कहानी को मेरे साथ, यानी आपकी अपनी नीति के साथ। यानी प्रदीप के मर्डर से पहले हुई उस माँ की मौत की भी जो थी वो हत्या थी। विशन ने इतनी बड़ी साजिश और क्रूरता का जो रहस्य उद्घाटन किया था, उसका सूत्रधार कोई और नहीं बल्कि प्रदीप की पत्नी सीमा ही थी। विशन ने बताया कि प्रदीप और उसकी मां की मौत का जिम्मेदार वह अकेले नहीं, बल्कि इसमें गौरव तेवतिया भी शामिल था। उन्होंने सीमा के इशारे पर सब कुछ किया था। दोनों ने मिलकर गहरी नींद में सो रही मां का गला दबाकर मां को
माँ का गला दबाकर उन्हें मार डाला था। उसकी चीख तक नहीं निकल पाई थी। विशन ने पैसे के लिए काम किया, लेकिन गौरव के बारे में वह बहुत जानकारी नहीं दे पाया। विशन ने प्रदीप पाल की हत्या के लिए रचे चक्रव्यूह के बारे में बताया कि 21 फरवरी 2022 की सुबह जैसे ही प्रदीप अपनी गौशाला जाने के लिए अपनी बाइक पर निकला, सीमा ने तुरंत फोन से इसकी सूचना गौरव को और गौरव ने विशन को दे दी थी। और खबर पाते ही दो मोटरसाइकिलों पर विशन कुमार, परमिंदर उर्फ पम्मी, रिंकू पवार, सौरभ चौधरी और प्रशांत निकल पड़े थे। जल्दी उन्होंने हेलीपैड रोड पर प्रदीप के पीछे अपनी बाइक लगा दी और एक जगह काफ़ी करीब आकर उन्होंने उस पर फायर छोड़ दी। गोली लगते ही प्रदीप पाल बाइक से गिरकर छटपटाने लगे और देखते ही देखते उसके प्राण पखेरु उड़ गए। वारदात को अंजाम देकर हत्यारे तेजी से फर्राटा मारते हुए निकल भागे थे। विशन के पुलिस की गिरफ्त में आने के कुछ समय बाद ही गौरव देवतिया समेत दूसरे चार हत्यारे पम्मी, रिंकू, सौरभ और प्रशांत भी गिरफ्तार कर लिए गए। उनकी उम्र 22 से 27 साल थी। वे छठे हुए बदमाश थे। उनमें कोई दादरी, नोएडा और गाजियाबाद तो कोई बुलंदशहर के निवासी हैं। इनके साथ की हत्या की साजिश करने वाली सीमा को भी गिरफ्तार कर लिया गया। सीमा और गौरव देवतिया को आमने सामने बिठाकर जब सख्ती से पूछताछ की गई तब उन्होंने भी विशन की तरह अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। उसके बाद पुलिस ने सातों आरोपियों पर हत्या का मामला दर्ज करके जेल भेज दिया। लेकिन सीमा और गौरव ने जो बातें बताई उसमें उनके बीच करीब 8 साल पुरानी लव स्टोरी सामने आई। उनकी उम्र उस प्रेम कहानी में बीते कुछ माह पहले एक बार फिर बाहर आ गई थी। हालांकि सीमा की शादी उत्तरी दिल्ली के रिठाला निवासी प्रदीप पाल के साथ 10 साल पहले तब हुई थी जब वह 21 साल की थी। सीमा के ननिहाल गौतम बुद्ध नगर के दादरी क्षेत्र के चमरावली रामगढ़ गांव में थी। वहीं सीमा के मामा का घर है। शादी के बाद इसी गांव के रहने वाले अपने से छोटे 19 साल की गौरव देवतिया से सीमा को प्यार हो गया था। दरअसल ननिहाल आते जाते सीमा की गौरव से पहले मुलाकात हुई, फिर बातें और हंसी मजाक। जल्द ही उनके बीच अनैतिक संबंध भी बन गए और वह यौवन की दहलीज पर यह भूल गई थी कि उसकी शादी हो चुकी है। शादी के बाद उत्तर प्रदेश से दिल्ली आ जाने के कुछ समय तक सीमा के जहन में गौरव की यादें बसी रही। उनका मिलना जुलना तो दूर की बात, बातचीत तक बंद हो गई। इस बीच सीमा 3 बच्चों की मां बन गई। हालांकि सीमा और गौरव दिल्ली NCR में रहते थे। दोनों का परिवार दिल्ली से सटे गाजियाबाद और नोएडा की सीमा में अलग अलग गांव में रहता है। सीमा ब्याह कर दिल्ली आ गई, लेकिन गौरव अपने माँ बाप के पैसे से ऐश कर रहा था। वह कोई काम धंधा तो करता नहीं था। सीमा के ससुराल कहने को दिल्ली के ग्रामीण इलाके में थी, लेकिन रहन सहन शहरी था। ससुर द्वारा बनवाए हुए घर के ऊपरी हिस्से में दर्जन भर कमरे थे। उन्हें पति प्रदीप ने किराए पर दे रखे थे। उनसे उसकी अच्छी आमदनी हो जाती थी। प्रदीप पाल का दूध का बिजनेस था, भैंसे पाल रखी थी और दूध सप्लाई का काम करता था। इस काम में वह काफ़ी बिजी रहता था। घर में उसके बूढ़े माता पिता थे। पिता अक्सर बीमार रहते थे, इसलिए घर की देखभाल की जिम्मेदारी सीमा पर आ गई थी। सीमा ससुराल आकर अपनी गृहस्थी में जल्द ही रम गई थी। गौरव कब उसकी जहन से निकल गया पता ही नहीं चला। साल बीतते बीतते उसकी गोद में एक प्यारी सी बेटी आ गई। अगले कुछ सालों में उसने एक और बेटी को और उसके बाद एक बेटी को भी जन्म दिया। मगर उसके बाद सीमा अपनी जिंदगी से उकताने लगी थी। बच्चों की देखभाल और सास ससुर की सेवा बोझ लगने लगी। इसकी एक वजह और भी थी कि वह है कि उसके पति का अधिकतर समय गौशाला और दूध के कारोबार में ही बीतता था। यहाँ तक कि प्रदीप रात में भी सीमा के साथ समय नहीं गुजारता था। वह बाहरी दिल्ली के बेगमपुर एक्सटेंशन इलाके में बनी अपनी गौशाला में ही रहता था। पत्नी की भावनाओं का नहीं रखा ध्यान, घर कुछ समय के लिए ही आता था और फटाफट घरेलू कामकाज निपटा कर फिर कारोबार के सिलसिले में चला जाता था। प्रदीप के पास 3 भैंसें थीं जिन्हें वह घर से दूर गौशाला में रखता था। रात को भैंसों की देखरेख और रखवाली के लिए वह गौशाला चला जाता था। सुबह भैंसों को चारा पानी देने और दूध दोहने के बाद ग्राहकों को दूध बेचने चला जाता था। सारा काम निपटाने के बाद ही घर लौटता था। और उसके पीछे सीमा अपने बच्चों और सास ससुर की देखभाल में लगी रहती थी। उसकी रातें बिस्तर पर करवटें बदलते बीत रही थी। उसके मन और शरीर की जरूरतें जस की तस थी। सेक्स की चाहत में सुलगती सीमा एक दिन अपने दिनों को याद करने लगी। उसी सिलसिले में उसे पिछले प्यार की यादें ताजा हो गई। बार बार पूर्व प्रेमी का चेहरा नजरों के सामने से गुजरने लगा। उसके गुजारे हसीन लम्हे याद आने लगे। उसकी चुलबुलाती बातें, हंसी मजाक, देह से छेड़छाड़, चूमना, सहलाना और बहुत कुछ सिनेमा के फ्लैशबैक की तरह फटाफट दिमाग में घूम गया। गौरव की फिर से यादें ताजा होने के बाद मन उससे मिलने के लिए छटपटा उठा। जब बेचैनी हद से ज़्यादा होने लगी तब उसने गौरव का फ़ोन नंबर पता किया। संयोग से पुराने फ़ोन में उसका नंबर भी मिल गया। और फिर एक दिन सीमा के दिमाग में क्या सोची कि उसने गौरव को फ़ोन मिला दिया। हेलो गौरव, मैं सीमा बोल रही हूँ, सुन रहा है ना तू? तू तो याद करता है, इसलिए मैंने सोचा तुझे मैं ही याद कर लूँ।
फोन पर काफी समय बाद अचानक सीमा की आवाज सुनकर गौरव अचकचा गया। उसके मुंह से निकल पड़ा, अबे सॉली, तुझे अब मेरी याद आई है इतने दिनों बाद? रामजदी कहीं की, कहाँ थी इतने दिनों? देख गौरव, गालियां मत दे, मानती हूँ तुझे बहुत दिनों तक भुलाई रही, लेकिन आज भी तुझसे उतना ही प्यार करती हूँ जितने पहले किया करती थी। भला कोई अपने पहले प्यार को भूल पाया है? मैं कैसे मालूम, मैं जानता हूँ कि तू तो अब सेठानी बन गई है, मालदार है, पति का बड़ा बिजनेस है भाई, पैसा है, मुझे झूठा दिलासा दे रही है? हाँ, क्योंकि मैं ठहरा निकम्मा निठल्ला। सीमा इस बीच में टोकती हुई बोली कि तू अपनी बताओ, मेरी बात को समझने की कोशिश कर, जो बात तुझ में है वह प्रदीप में नहीं है, तो मिलेगा तो मैं सब कुछ बताऊंगी तुझे। देख, पैसा ही सब कुछ नहीं होता, मुझे आज भी तेरा ही इंतज़ार है। अच्छा बता फिर कब मिलेगी, यहाँ तो फिर से लॉकडाउन लग गया है, रात का कर्फ्यू भाई। अच्छा गौरव, ठीक है बाद में बताऊँगी, इतना समझ ले कि तेरी मुझे याद सता रही है। लंबे अरसे बाद फ़ोन पर सीमा की बातें सुनकर गौरव बेचैन हो उठा। बीते दिनों का बिछड़ा प्यार दिल में उछाल मारने लगा, मन फिर से बिछड़ी प्रेमिका से मिलने के लिए बेचैन हो गया। भले ही प्रेमिका शादीशुदा थी, मगर उसके लिए तो वह अब भी वही कमसिन सुकुमारी थी जिसे प्यार से सेक्सी सिमी कहकर बुलाता था। अब क्योंकि उसके सेक्सी अंदाज पर वह कलेजा निकाल कर रख देता था, वह भी उसे आहें भरने तक की नौबत ही नहीं आने देती थी। मिलते ही झट से गले लग जाती थी और गौरव उसे चूम लेता था। जब सालों बाद उसने कहा कि उसका आज भी इंतजार है, तब वह खुद को रोक नहीं पाया, उसका नंबर अपने फ़ोन में सेव कर लिया और सीमा जिसे प्यार से गौरव बुलाती थी उसका पूरा नाम गौरव देव दिया है। सीमा से फ़ोन पर बात होने के बाद वह उससे मिलने के लिए बेचैन हो उठा, उसकी अगली कॉल का इंतज़ार करने लगा। अपना गांव घर छोड़कर गौरव दिल्ली आने की योजनाएं बनाने लगा, लेकिन समस्या किसी सही ठौर ठिकाने की थी और दिल्ली में ही कोई काम करना चाहता था। अगले रोज ही उसने सीमा को मिस कॉल की, तुरंत उधर से सीमा की कॉल भी आ गई। कैसा है, दिल्ली आने का मन बना लिया क्या? यार मन तो बहुत है मगर, अरे मगर वगर क्या, मनी प्रॉब्लम है क्या? अरे नहीं यार, दिल्ली में मेरा रहने का ना कोई इंतज़ाम नहीं है, पैसा तो वही काम करके कमा ही लूँगा। चल ठीक है, उसका समाधान मेरे पास है, मैं जैसा कहूँगी तू वैसा ही करना। चल चल, चापलूसी मत कर, फोन रख। सीमा के इस फोन ने गौरव के दिल में एक बार फिर गुदगुदी पैदा कर दी, उसे मिलने की बेचैनी बढ़ गई और उसके ख्यालों में खो गया। ऐसा ही हाल सीमा का भी था, उसने दो चार बातें करने के बाद फ़ोन कट तो कर दिया था, लेकिन गौरव की पहले जैसी नज़दीकियाँ पाने के लिए वह उतावली थी। वह उसके मुंह से एक बार फिर सेक्सी सिमी सुनना चाहती थी, पति की अनदेखी से आसमान छूती शारीरिक ख्वाहिशों को जल्द से जल्द पूरी करना चाहती थी। उसी दिन रात को घर का सारा काम निपटाकर सीमा ने गौरव को फ़ोन किया कि तू मुझसे मिलने दिल्ली आ जा, मैं ना तेरे रहने का सारा बंदोबस्त कर दूंगी। अरे यार, पर तेरा पति? अरे यार, वो शाम को ना गौशाला चला जाता है और रात में वहीं सोता है, तू उसकी चिंता मत कर। कल आऊँ? ठीक है, किस मेट्रो स्टेशन पर आना है? रिठाला। हाँ, दिन में 1 बजे गेट नंबर 3 से बाहर निकलना, मैं तुझे वहीं नीचे कुलचे वाले के पास मिल जाऊँगी, ठीक है? मुझे पहचान लेना। ठीक है, तू तो एकदम दिल्ली वाली टनाटन हो गई है, क्या बात है? अरे बस बस, ज़्यादा बहकने की जरूरत नहीं है, यहाँ हम अनजान बनकर मिलेंगे, इसका ख्याल रखना। और कॉल कटने के बाद गौरव को ऐसा लगा जैसे उसकी कई दबी हुई इच्छाएं एक साथ पूरी होने वाली हैं, उसकी बाँछें खिल गई। अगले रोज वह दिल्ली आ गया, सीमा की बताई जगह पर पहुंच गया, सीमा ने जैसा कहा था वैसा हुआ। फिर क्या था, सीमा गौरव को देखते ही पहचान गई और तुरंत बोल पड़ी कि अरे यार, तू तो पहले जैसा ही है, जरा भी नहीं बदला। ठीक है बता, चल रहा कहाँ है? अरे ऐसा नहीं है यार, लेकिन सीमा बीच में ही टोकती हुई बोली, यहाँ किसे पास ही में मेरे ससुराल है, दूध वाले का घर पूछेगा तो कोई भी बता देगा, मेरे मकान में किराए के लिए कई कमरे खाली हैं और किराए बहुत अधिक नहीं है, तो एक कमरा किराए पर ले लेना, मेरा पति तुझे किराए पर रख लेगा, उससे कहेगा तो तुझे कोई काम भी दिलवा देगा। ठीक है यार, तू अपने पति से कह के थोड़ा किराया कम करवा देगी ना? अरे पागल है क्या तू, तू पति की नज़रों में अनजान बन के रहना, और उसे जरा भी एहसास नहीं होना चाहिए कि तू मुझे पहले से जानता है। ओह अच्छा, तो ये बात है। हाँ हाँ, तो उससे आज ही 5 बजे से पहले मिलकर किराया हाथ पर रख देना, पूरा नहीं तो कुछ एडवांस ही दे देना यार, तो वह कमरा दे देगा। बस ध्यान रहे, उसके सामने ना तो मुझे जानता नहीं है ना मैं तुझे, समझ गया ना? हाँ हाँ, बिल्कुल समझ गया। ओए मेरी सेक्सी सिमी, यही सुनने के लिए कब से बेचैन थी। अच्छा तो ठीक है, एडवांस कितने महीने के देना होगा?
अरे यार कुछ भी दे देना, वह मान जाएगा, कई कमरे खाली हैं। अच्छा तो ठीक है। सीमा कहने के मुताबिक गौरव प्रदीप से मिला, 2 महीने का एडवांस किराया देकर कोने का कमरा किराए पर ले लिया, क्योंकि उस कमरे से सीमा की रसोई साफ साफ दिखती थी। कमरा किराए पर लेकर वह उसी रोज अपने गांव लौट गया। अगले रोज कुछ जरूरी सामान के साथ वापस आ गया। आते ही उसने प्रदीप से मुलाकात की, उससे कोई काम दिलवाने के लिए भी कहा, और उसके बाद से सीमा और गौरव एक दूसरे की झलक पाने के लिए तरसना नहीं पड़ता था। दोनों हर वक्त एक दूसरे की नज़रों के सामने थे। दिन में गौरव सीमा को दूर से निहारता था, और रात होते ही वह उसके कमरे में पहुंच जाता था। वहां दोनों रंगरलियां मनाते थे। सुबह प्रदीप के लौटने से पहले सीमा कमरे को दुरुस्त करती हुई पतिव्रता बन जाती थी। उनकी रासलीला में बाधा केवल उसके सास ससुर ही थे, उसे उनकी नज़रों से भी बचना था। सीमा ने इसका रास्ता निकाल लिया था। वह सास ससुर को रात के खाने और पानी में नींद की गोलियां मिला देती थी। गोलियां गौरव ला कर दे देता था। सीमा के ससुर पहले ही बीमार रहते थे। नींद की दवा मिला खाना खाने के बाद वह तुरंत गहरी नींद में सो जाते थे, मगर सीमा के सास पर दवा का असर कुछ कम ही रहता था। वह अक्सर नींद से जाग जाती थी। ऐसे एक रात जब गौरव सीमा के कमरे में था, प्रदीप की माँ की आंखें खुल गई। कमरे में धीमे स्वर में बातें करने की आवाज़ें आई तो उन्हें कमरे में किसी के होने का संदेह हुआ। सुबह उसने सीमा से पूछा कि तब वह बहाना बनाकर निकल गई, मगर वह समझ गई कि बुढ़िया को उस पर शक हो गया। उसने गौरव से सावधान रहने को कह दिया। उसके बाद सीमा सास ससुर की गहरी नींद में सोने का पक्का इत्मीनान होने के बाद ही गौरव को बुलाती थी। 7 महीने तक यही सब चलता रहा, मगर उसकी अचालाकी बहुत दिनों तक नहीं चली। एक सुबह सीमा की सास की आंखें मुंह अंधेरे ही खुल गई और उसने गौरव को सीमा के कमरे से निकलते देख लिया। फिर क्या था, सास ने सीमा को धमकाया कि वह अपनी हरकतों से बाज आ जाए, वरना प्रदीप को सारी बात बता देगी। इस पर सीमा ने हाथ पैर जोड़कर सास से माफी मांग ली और उन्हें मना लिया कि आगे से ऐसा नहीं करेगी। और फिर जब सीमा को एहसास हुआ कि सास उस पर नज़र रखते, तब उसने उससे अपने प्यार के हरासे से हटाने का खतरनाक इरादा बना लिया। 23 जनवरी की सर्द रातों में प्रदीप शाम ढले गौशाला चला गया था। उस रात सीमा ने खाने में नींद की दवा अधिक मात्रा में मिला दी। खाना खाने के बाद उसके सास ससुर गहरी नींद में सो गए। दोनों के सो जाने के बाद सीमा ने गौरव को बुलाया, और उस दिन गौरव के साथ उसका दोस्त विशन कुमार उर्फ वासु भी ठहरा हुआ था। दोनों ने आकर सीमा की सास का गला दबाकर उसे मार डाला। इसके बाद सीमा ने सास की चुन्नी उसके गले में इस तरह लपेट दी कि निशान नजर नहीं आए। फिर लाश को सोई हुई स्थिति में लिटाकर कमरे का दरवाजा बढ़ा दिया और अपने कमरे में जाकर सो गई। सुबह उसने प्रदीप को फोन कर जल्दी घर आने के कहा। आगे कहानी आप जानते हैं कैसे क्या हुआ। सीमा अब अपनी बाकी जिंदगी प्रेमी गौरव तेवतिया के साथ ऐश के साथ बिताना चाहती थी, इसलिए अपने मिशन में रोड़ा बने पति प्रदीप को भी हमेशा के लिए हटाना चाहती थी। इस बारे में उसने अपने प्रेमी गौरव से बात की तो वह भी इसके लिए तैयार हो गया। दादरी निवासी गौरव तेवतिया ने इस बारे में प्रेमिका सीमा के साथ योजना बनाई कि यह काम गौरव अकेला नहीं कर सकता था। इस संबंध में उसने अपने ही गांव के रहने वाले परविंदर से बात की। परविंदर उसका साथ देने को तैयार हो गया। गौरव तेवतिया की पिछले दिनों रेलवे ने कुछ जमीन अधिग्रहित की थी, जिसके बदले में उसे मोटा पैसा मिला था, इसलिए उसने प्रेमिका से कह दिया था कि सुपारी के 20 लाख वह अपने पास से दे देगा। अब योजना के अनुसार 21 फरवरी 2022 को सभी आरोपी मोटरसाइकिलों से उसी रास्ते से पहुंच गए भाई जहां पर उनकी हत्या हुई थी। खैर, पुलिस ने सभी आरोपियों से पूछताछ करने के बाद उनके निशानदेही पर वारदात में प्रयुक्त जो भी था सामान था वो ले लिया था, और उन लोगों को जेल भेज दिया गया था। इस पूरे घटनाक्रम से प्रदीप के मार पिता गहरे सदमे में आ गए। उनके कंधों पर प्रदीप के 3 छोटे बच्चों की जिम्मेदारी आ गई है। अंधा प्यार, तो सतर्क रहिए, सावधान रहिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।